फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक और नया लेस और केबल डिज़ाइन, जिसे आप लेडीज़, जेंट्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है, 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के लिए हमें 19 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे चाहिए। मैंने इस सिलाई में 40 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारी के लिए, टोटल 42 फंदे डाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं। एक नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने। 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये धागा आगे रखें और अगले 2 फंदों को ऐसे उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। तो ऐसे ये धागा आगे रखने से यहाँ हमारी जाली बन जाएगी। अब ये 2 का 1 बनाने के बाद 5 फंदे सीधे बुने, 5 फंदे सीधे बनाने के बाद अब 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद अब हमने यहाँ फिर जाली बनानी है तो धागे को पीछे ही रखें और अगले 2 फंदों को उल्टा बुनें। ये 2 फंदे उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे, 6 फंदे सीधे बुनें। तो ये हमारा 19 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने, धागे को आगे ही रखें, 2 फंदों को ऐसे उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 5 फंदे सीधे बुने, 5 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद धागा पीछे ही रखें, 2 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, 6 फंदे सीधे बुने। तो ये हमारा दूसरी बार 19 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा आगे, प्लस वाले फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। इस डिज़ाइन के उल्टे हाथ की सिलाइयाँ सारी सेम बुनी जाएंगी। जैसे मैं ये 2 नंबर सिलाई बनाऊँगी, सारी उल्टी सिलाइयाँ सेम वैसे ही बनानी है। पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 6 फंदे उल्टे बुने। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 9 फंदे उल्टे बुने। तो ये हमारा 19 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 6 फंदे उल्टे बुने,
छः फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुने, फिर धागा आगे, नौ फंदे उल्टे बुने, नौ फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर धागा पीछे, ये प्लस वाले दो फंदे सीधे बुने, धागा आगे, किनारी वाला फंदा उल्टा बुने। तो इसके बाद जो भी हमने उल्टे हाथ की सिलाइयाँ बुननी हैं सेम ऐसे ही बुननी हैं। तीन नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, दो फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, धागा घुमाने के बाद फिर पहले की तरह ये दो फंदे ऐसे उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद तीन फंदे सीधे बुने। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद फिर दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, छह फंदे सीधे बुने, तो ये हमारा 19 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे इसी पैटर्न को रिपीट करें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, दो फंदों को उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद तीन फंदे सीधे बुने। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, छह फंदे सीधे बुने, छह फंदे सीधे बुनने के बाद ये हमारा दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा आगे, प्लस वाले दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। चार नंबर सिलाई दो नंबर सिलाई की तरह ही सेम बुने। पांच नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, दो फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुने, दो फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, दो फंदों को उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद एक फंदा सीधा बुने। एक फंदा सीधा बुनने के बाद फिर दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुने, फिर धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, छह फंदे सीधे बुने, तो ये हमारा 19 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुने, दो फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, पहले की तरह ही दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं, दो का एक बनाने के बाद एक फंदा सीधा बुने, फिर दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं, धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुने,
दो फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, छह फंदे सीधे बुने, छह फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, प्लस वाले दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। छह नंबर सिलाई सेम पहली सिलाइयों की तरह। सात नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, दो फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुने, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं। अब हमने ये तीन फंदों का एक बनाना है। तीन का एक बनाने के लिए पहले हम ये पहले दो फंदों को पलटेंगे, ऐसे फंदों में सिलाई डालेंगे और इन्हें उतार लेंगे। उतारने के बाद पीछे से ऐसे उल्टे हाथ की सिलाई पर डालेंगे और तीनों फंदों को पीछे से बुनते हुए तीन का एक बनाएंगे। तीन का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, तीन फंदे सीधे बुनें, फिर धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनें, फिर धागा पीछे। अब हमने ये छह फंदों की केबल बनानी है, तो छह की केबल बनाने के लिए हम फंदों को लेफ्ट हैंड साइड ट्विस्ट करेंगे। पहले हम ये पीछे वाले तीन फंदों को सीधे हाथ की सिलाई पर लेंगे और पहले तीन फंदों को छोड़ देंगे और उन्हें उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर लेफ्ट हैंड साइड ट्विस्ट करेंगे और फिर ये तीन फंदों को भी सिलाई पर लेंगे और छह फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ऐसे हम ये छह फंदों की केबल बना लेंगे। तो ये हमारा 19 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुने, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं। अब ये तीन फंदों का एक बनाना है, तो पहले की तरह ही दो फंदों को पलटें, उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और तीन फंदों को एक साथ बुनकर तीन का एक बनाएं। तीन का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, तीन फंदे सीधे बुनें, फिर धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे। अब ये छह फंदों की हमने केबल बनानी है, तो पहले की तरह ही पीछे वाले तीन फंदों को ऐसे सीधे हाथ की सिलाई पर होल्ड करें, पहले तीन फंदों को उतार दें, उतार कर इन्हें उल्टे हाथ की सिलाई पर लें और लेफ्ट हैंड साइड ट्विस्ट कर लें। फिर ये सीधे हाथ वाले फंदे भी हम उल्टे हाथ की सिलाई पर ले लेंगे और इन छह फंदों को सीधा बुन लेंगे। ऐसे हम ये छह फंदों की केबल तैयार कर लेंगे। ये दूसरी बार हमारा 19 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में धागा आगे, प्लस वाले दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। आठ नंबर सिलाई पहले वाली सिलाइयों की तरह ही सेम बुने। हमने ये आठ सिलाइयाँ रिपीट करनी है और हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।